नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्गी की पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, या जिसे हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो 11th क्लास में नए नए आए हैं। अभी तक के हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा है, और टैक्सोनॉमी के पढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे टैक्सोनॉमी से संबंधित नए नए शब्दावलियों से हम जूझते हैं। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वर्गी की पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में टैक्सोनॉमी पढ़ा है या वर्गी की पढ़ा है। टैक्सोनॉमी या वर्गी की जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जहां पर जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है, वर्गी की कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या है, इसको अगर हम सरल भाषा में समझना चाहे, सरल चीज के माध्यम से समझना चाहे, तो आप अपनी क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। एक ऐसी क्लास जहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों, भाई बॉयज और गर्ल्स में पाए जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर उनको हमने दो समूह में कैटेगराइज कर दिया। भाई एक समूह बॉयज का हो गया तो दूसरा समूह किसका हो गया, गर्ल्स का हो गया। वैसे ही क्या होता है कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों, उनमें पाई जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर अनेक छोटे बड़े समूह में समूहबद्ध किया जाता है। और इन जीवों को समूहबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है। जीव में पाई जाने वाली समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को समूहबद्ध करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। भाई हमको वर्गीकृत करना है तो छोटे बड़े समूह का निर्माण करना होगा, और इन छोटे बड़े समूह को टैक्सॉन या टैक्सा कहा जाता है। और प्रत्येक जीव को क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण के एक निश्चित टैक्सॉन के अंतर्गत रखा जाता है। और जब इन टैक्सॉन को एक निश्चित क्रम में अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तब एक सुव्यवस्थित क्रम का निर्माण होता है। एक सुव्यवस्थित क्रम का निर्माण होता है जिसे वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषिक शब्दावली की बात करें तो जीवधारियों के विभिन्न समूह को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में, एक निश्चित सीरीज में व्यवस्थित करना ही वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। इसे एक बार पुनः देखें कि जीवधारियों के विभिन्न समूह को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। वर्गीकी पदानुक्रम का सबसे पहले जो यूज है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। अगर हम वर्गीकी पदानुक्रम की बात करते हैं, उनके क्रम की बात करते हैं, तो वर्गीकी पदानुक्रम के अंतर्गत 7 टैक्सॉन को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी इकाई के रूप में जगत होता है, जबकि सबसे छोटी इकाई के रूप में जाति होता है। तो कुल मिलाकर जो 7 टैक्सॉन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जगत, दूसरा है संघ या प्रभाग। अगर मान के चलिए जंतु का वर्गीकरण पदानुक्रम करना है तो संघ, अगर पौधों को करना है तो प्रभाग, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। कुल मिलाकर ये 7 टैक्सॉन है। अब यहां पर देखें तो जगत सबसे बड़ी यूनिट है, वहीं पर स्पीशीज की बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है जाति होती है। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो सामान्य लक्षणों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है, लेकिन यूनिक लक्षणों की संख्या में कमी आती जाती है। लेकिन जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर बढ़ते हैं, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर बढ़ते हैं, तो विशिष्ट लक्षणों की संख्या लगातार बढ़ते चली जाती है। तो चलिए अब हम किसी एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस
वर्गीकी पदानुक्रम को समझ, एक एक टैक्सॉन के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चले। जैसा कि हमने अभी जाना कि टैक्सोनॉमिक हेरिटी में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो स्पीसीज कहलाती है, जाति कहलाती है। जाति क्या है? आपस में अंतर संतरण करने वाले जीवों का समूह जिनका अपना एक जीन पूल होता है, जाति कहलाती है। जैसे कि अगर आप लायन की बात करें, सिंह की बात करें, तो पैंथरा लियो, जहां पर लियो उसकी जाति को बताता है। पैंथरा टाइग्रिस, जो टाइगर टाइग्रिस है वहां टाइगर की जाति को बता रहा है। और ये जो पैंथरा है, यहां पैंथरा लायन और टाइगर दोनों का ही जीनस है, अर्थात समान जातियों का समूह जो है वो वंश कहलाएगा, समान वंश का समूह फैमिली या कुल कहलाएगा, और समान कुल का समूह जो है वो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार ऑर्डर के कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके कुछ लक्षणों में समानता होती है, तो ऐसे ही लक्षणों में समानता वाले ऑर्डर का जो समूह है वो क्लास कहलाता है, और समान क्लास का समूह जो है वो क्या कहलाएगा, फाइलम कहलाएगा या डिविजन कहलाएगा। और इन्हीं जो फाइलम है, फाइलम का जो समूह है वो क्या कहलाएगा भाई, किंगडम कहलाएगा। तो अगर हमने स्पीसीज की बात किए तो लियो और टाइग्रेस किसके किसकी स्पीसीज है, लियो लायन की, वही टाइग्रेस टाइगर की है। और इनका जो जीनस है वो क्या है, वो जीनस है, वंश है इनका पैंथरा। अब पैंथरा की कितनी जातियां पाई जाती है भाई, की लियो टाइग्रेस और पार्डस। अगर हम इसकी बात करें, सिंह, बाघ और चीता। लेकिन जहां पैंथरा कुल जो है बिल्ली कुल से भिन्न है, बिल्ली कुल से भिन्न है लेकिन कुछ लक्षणों में समानता प्रदर्शित करता है। पैंथरा और फेलिस के कुछ लक्षण आपस में समान होते हैं, तो ऐसे ही जीनस, समान लक्षणों वाले जीनस को किसमें शामिल किया गया है, फैमिली में शामिल किया गया है। तो पैंथरा और फेलिस दोनों को ही किसमें शामिल किया गया, फेलिडी फैमिली में शामिल किया गया है। लेकिन यहां फेलिडी फैमिली में भी केरेटी फैमिली अर्थात कुत्तों व लोमड़ी की फैमिली से भिन्न होती, लेकिन फेलिडी फैमिली और केरेटी फैमिली की कुछ लक्षण समान होते हैं, इस कारण से इनको एक ही ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है, और वो ऑर्डर कौन सा है भाई, कार्निफोरा। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके लक्षणों में समानता पाई जाती है, उनको एक ही क्लास में रखा जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें स्तनधारी जंतु मेमेलिया की बात करें, तो मेमेलिया के तीन सब क्लास है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक उसी प्रकार से समान लक्षणों वाले क्लास के लिए एक फाइलम बनाया जाता है। मान के चलिए मेमेलिया है, मेमेलिया के साथ साथ एविज है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, इनके लिए जिस संघ की स्थापना की गई है वो संघ कौन सा है, कॉर्डेटा है। और सारे के सारे संघ मिलकर जो है वो किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं जगत का। अब हम देखते हैं कि मनुष्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम बात करें तो जो मनुष्य है उसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, वहीं पर फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मेमेलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि वर्गीकी पदानुक्रम क्या है और उसका क्या महत्व है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।